अब यू देखो सीतापुर की बिटिया प्रियांशी सोनी तो नाम रोशन कर दिन भैया, जिले का भी नाम रोशन कर दिया, विद्यालय का भी नाम रोशन कर दिया, माँ बाप का नाम भी रोशन कर दिया, प्रदेश का भी नाम रोशन कर दिया। 98.33% लेकर के आई है। यूपी में पहला स्थान है प्रियांशी सोनी का। इसके साथ ही आपको बता दें कि इंटरमीडिएट में पहला स्थान लाने वाले महोबा के छात्र शुभ छपरा जी हैं। देखो भैया 97.80% लेकर के आए, पूरे यूपी में इंटरमीडिएट में प्रथम स्थान लेकर के आए। अब बाराबंकी की बात कर लेते हैं, साइंस स्कूल की भैया अनुष्का पटेल जी देखो 97.17% लेकर के आई, और इंटरमीडियम में शिवम पटेल हैं जो बकदा 96.60% लेकर के आएँ। अब इसे मैं अनुष्का पटेल का बोली तरीके सुनो भैया, बेचारी बहुत घबरा रही थी, नर्वस भी थी और बातें भी बता रही थी कि किस प्रकार से पढ़ाई की और किस प्रकार से माँ बाप का नाम रोशन किया, बिटिया नाम रोशन कर भैया माँ बाप का, देखा तो 97.17% लेकर के आई है। तरीके सुनो का बोली है प्रदेश में छठी रैंक हासिल की, कैसा लग रहा है आपको और क्या कमी रहेगी टॉप करने में? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पर हो सकता है कि मतलब मेरी मेहनत में थोड़ी सी कमी रह गई हो जिसकी वजह से टॉप 5 में मैं नहीं आ पाई। मेरा था कि मैं टॉप 5 में आ जाऊं, बट हो सकता है कमी मुझसे गलती हो गई हो जिसकी वजह से मैं टॉप 5 में ना आ पाऊँ। कितना टाइम देती थी स्टडी को नॉर्मल केस में? नॉर्मली मैं 1 घंटा में ट्यूशन करती थी, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैं 7:00 से 11:00 तक पढ़ती थी, उसके बाद आगे का क्या लक्ष्य है सब्जेक्ट में जो कमी रह गई आगे क्या? अब तो ये रिजल्ट होगा तो मैं सोचा है कि अब 12th में इससे ज़्यादा अच्छा करूँगी और टॉप 5 में अपनी पोजीशन बनाऊंगी। मेरे पापा फार्मर हैं और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, और ये मेरे पापा का ही सपना था कि मैं यूपी टॉप करूँ, टॉप 5 में आऊँ या फिर टॉप 10 में, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने उनका सपना पूरा किया। पढ़ने वाली अनुष्का बिटिया की बात सुनी आपने भैया, पिताजी किसानी करते हैं, माताजी हाउसवाइफ है, घर में खाना वाना बनाती है, बड़ी दीदी भी है, छोटा भाई भी है, पढ़ाई लिखाई भी करती हैं, ट्यूशन भी पढ़ती हैं, और देखो आखिरकार भैया नाम रोशन कर दिया, पिताजी का सपना साकार कर दिया, आगे और भी मेहनत करेंगी। अब आप लोग कीजिएगा, और पीछे देखो पत्रकार भैया भी खड़े थे, सवाल पूछ रहे थे, हमने कहा दिखा देखा।